हाय फ्रेंड्स, ग्रेटर जयपुर की बहुत ही शानदार लोकेशन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर SEZ में गेटेड सोसाइटी में बने बनाए विला लेने का बहुत ही शानदार मौका है आपके पास में। तो आइए जानते हैं पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी है। तो पहले प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर बने बनाए विलाज हम आपको दिखाएंगे। प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है अपना घर, JDA अप्रूव्ड व रेरा अप्रूव्ड पूरा प्रोजेक्ट है। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल और वायर फेंसिंग से सिक्योर्ड है। मेन गेट के ऊपर गार्ड रूम है और सामने की जो रोड है, कनेक्टिंग रोड, वो 40 फीट है, जो कि सीधा का सीधा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को कनेक्ट करती है। तो आइए और बताते हैं हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इंट्रेंस गेट की जो रोड है वो 40 फीट की है और टाइल्स की रोडें आपको पूरी इस गेटेड सोसाइटी में मिलने वाली हैं। बकायदा आपको प्लॉट की जो डिमार्केशन है, प्लॉट नंबरिंग है, वो आपको राइट में और लेफ्ट में मिलने वाली है। बाउंड्री वॉल आप देख ही रहे हैं विद वायर फेंसिंग। सामने विलाज का वर्क चल रहा है। तो पहले हम आपको जो टाउनशिप है इसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, JDA अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट और सभी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। सीवरेज लाइन, वाटर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन सभी अंडरग्राउंड हैं इसमें। तो इंट्रेंस से जैसे ही हम अंदर आते हैं टाउनशिप में, लेफ्ट हैंड साइड में ही फैसिलिटी एरिया है जहां पानी की टंकी आपको वाटर सप्लाई के लिए है, ओवरहेड टैंक और साथ ही साथ अंडरग्राउंड टैंक। बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया इस गार्डन में दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। प्लस हमारे जो एल्डर्स हैं उनके लिए पार्क में ही सिटिंग अरेंजमेंट भी है, स्लाइडर्स बच्चों के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट आप देख ही पा रहे हैं और सामने ये ओपन जिम फैसिलिटी प्लस गजीबो। इसके साथ ही साथ सोलर पैनल प्लांट जो है इस टाउनशिप में जो गेटेड है इसमें दिया गया है। तो मोस्टली अगर आप महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की किसी भी गेटेड सोसाइटी में प्रॉपर्टी, बना बनाया विला आप परचेज करते हैं, तो वहाँ पे मेन जो चीज़ आती है वो आती है मेंटेनेंस की। तो हमारे यहाँ जो ये सोलर प्लांट है, तो स्ट्रीट लाइट्स, बोरिंग का जो ऑपरेशंस है ऑपरेट करने का, और अदर जो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी जो गेटेड सोसाइटी है वो मेंटेन जो ऑपरेट होगी, उसके लिए यहाँ पे सोलर प्लांट है। तो आपको जो मेंटेनेंस है वो लगभग लगभग ज़ीरो आने वाला है। यहाँ पे पूजा पाठ के लिए टेंपल फैसिलिटी का एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ये बने बनाए जो विलाज हैं इनका कंस्ट्रक्शन वर्क फुल स्विंग पे है। सामने वाले जो विला हैं वो 86 गज में बन रहे हैं और इधर वाले जो विला हैं ये लगभग लगभग 140 गज के आसपास की विला यहाँ पे प्लान हो रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और एक और ख़ास बात इस पूरे प्रोजेक्ट की फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के में है और नियर बाय लगभग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का जो इंफोसिस बिल्डिंग है वहाँ से लगभग लगभग 6 से 7 किलोमीटर ही है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि नॉइस पोल्यूशन यहाँ पे ज़ीरो है और एयर पोल्यूशन यहाँ पे ज़ीरो है। ये जो सामने आप विला देख रहे हैं ये लगभग 130 से 140 वर्ग गज में प्लान किए जा रहे हैं। अभी जो ये प्लान अभी आप जो देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बहुत ही A1 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये बीम और प्लिंथ और मैं कह सकूँ ये जो लिए जा रहे हैं और जिस तरह से ये मुझे नज़र आ रहा है,
जो वर्क, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे ये जो आप विला देख रहे हैं, ये लगभग 50 गज में प्लान हो रहे हैं पूरे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द ही एक सैंपल विला इसमें रेडी कर रहे हैं, तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं 86 गज के लगभग 86 गज में बन रहा ये विला। इंडिपेंडेंट है, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसी लोकेशन पर ज़मीन भी आपकी, मकान भी आपका, छत भी आपकी। 86 गज में बन रहा ये विला, आपको जो फ्रंट मिल रहा है इसमें 17 फीट का, और जो इसकी डेप्थ लगभग 45 फीट है, और डबल एलिवेशन सेमी डुप्लेक्स आपको ये मिल रहा है, जिसमें आपको 3 बेडरूम मैं कहूँ तो आपको इसके अंदर मिलने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। इंट्रेंस पे आपको पार्किंग गैराज जिसे बोल रहे हैं वो आपको मिलेगा। जैसे ही आप इंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे आपको वाटर टैंक और स्टेयर केसेस बाहर की बाहर ऊपर जा रही हैं। ये जो एरिया है ये आपका हॉल है, सामने ओपन किचन इसमें दिया गया है। लगभग 10 से 15 दिन में हम आपको ये सैंपल विला रेडी करके दे देंगे। तो एक बेडरूम यहाँ पे, और इस बेडरूम में आप देखिए एक अटैच लेट बाथ भी है। पीछे आपको मिलने जा रही है इसमें वेंटिलेशन और लाइट्स के लिए गैलरी। और बात क्वालिटी की करूं तो डोर यहां पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो डोर है वो यूज़ किया गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये सैंपल विला पूरा रेडी मिल जाएगा। और ये जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे ही एंट्रेंस गेट से एंट्रेंस करते हैं तो ये आपका हॉल आ गया, और सामने ओपन किचन है, ब्लैक टॉप स्लैब दी गई है, वॉश बेसिन है, सिंक सॉरी, और लाइट्स और एयर के लिए विंडो है किचन के अंदर। गेट में एंट्रेंस के साथ ही एक विंडो भी दी गई है। ये आपका कॉमन लेट बाथ यहाँ पे रहने वाला है। और ये आपका गेस्ट रूम हो गया। ये देखिए, ये आपका गेस्ट रूम। आइए ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयरकेस बाहर से है जैसा आपको मैंने दिखाया। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो रफ टॉप है उस पर भी टाइल्स का को काम में लिया गया है। फ्रेंड्स, ऊपर का जो ये रूम है, ये इसमें आपको अटैच लेट बाथ भी मिलने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा सैंपल विला तैयार हो रहा है 86 गज में, जिसका फ्रंट 17 फिट है और डेप्थ इसकी 45 फिट है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मौका है आपके पास में, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ग्रेटर जयपुर में आपका अपना खुद का बनाया जो विला है, ड्रीम हाउस है, जो कि 86 गज से लेके आप 150 गज तक के इस पूरी टाउनशिप में आप प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स प्रोडक्ट की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा
महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और ग्रेटर जयपुर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की, और जैसा आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि सामने जो है भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। हो सकता है यूनिवर्सिटी एक छोटा लाइट वर्ड हो, लेकिन अगर मैं इसको विश्वविद्यालय बोलूं तो इसमें काफ़ी वज़न पड़ता है बाद में। तो इस पूरे विश्वविद्यालय से आपका जो ये विला है बना बनाया मात्र 5 किलोमीटर है, और आज आप करंटली चाहे जिस भी लोकेशन पे रह रहे हैं, आप चाहे दिल्ली रह रहे हैं, गुड़गांव रह रहे हैं, मथुरा रह रहे हैं, आगरा रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, अलवर, भरतपुर, जहाँ भी रह रहे हैं, आसपास की लोकेशन पे आप देखिए कि अगर आपके जो करंट लोकेशन है वहाँ से एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय आपकी जो आपके अपने शहर में, उसके सराउंडिंग, विश्वविद्यालय के सराउंडिंग एरिया में कितना अधिक डेवलपमेंट है। तो ग्रेटर जयपुर का ये एक बहुत ही प्रीमियम और मैं कहूँ बहुत ही एक एडवांस एरिया है। और मेरे बैक साइड में आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग सामने, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे है इंफोसिस, जो कि पूरा का पूरा आईटी हब ही है, मैं यूँ कहूँ तो आपको। तो फ्रेंड्स, आईटी हब, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और यूनिवर्सिटी जैसी लोकेशंस से मात्र 5 किलोमीटर के ऊपर आप JDA अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, गेटेड सोसाइटी में 86 गज से लेके 140-150 वर्ग गज तक का अपना बना बनाया विला आप प्लान कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं फ्रेंड्स कि पुरानी जो दिल्ली है उसको हम नई दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। नई दिल्ली को हम जो है गुड़गांव से कंपेयर नहीं कर सकते, और गुड़गांव को हम ग्रेटर गुड़गांव से कंपेयर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेटर जयपुर का महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ऐसी जेड है, इसको आप पुराने जयपुर से या जो क्राउडेड रश, जो यहाँ पे रश रहता है, उस जयपुर से आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नई नई जो वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं पूरे जयपुर शहर से, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में, कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर पाए। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, बने रहिए, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिव सीजन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।